ऐसा रहेगा अगर आपके बच्चे का नाम कोरोना वायरस हो तो? एक मीटिंग में अगर आप नंगे होकर जाते हो तो कैसा रहेगा? पिछली बार तो बोला था ना, क्या हुआ? ऑकवर्ड, मगर ये सब होता है। हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक तड़क भड़क सीरीज में। अरे नाप का क्या करना रे, नाप में तेरे को फेरता ना बाद में। तो आज की सीरीज में हम ऐसी ऐसी बातें करने वाले जिससे आपके तोते तोते उड़ जाएंगे। हेलो गाइस, मैं हूं गज्जू भाई, आप देख रहे हैं गज्जू भाई। तो चलिए बाबा जी का घंटे के साथ वीडियो कर दे स्टार्ट। गाइस, इस लॉकडाउन में रायपुर छत्तीसगढ़ में एक हॉस्पिटल में दो ट्विंस पैदा हुए थे, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम उसकी माँ ने रखा बॉय का नाम, मतलब लड़के का नाम था कोरोना, लड़की का नाम था कोविड। मतलब क्या यार, कुछ भी। सॉरी सर। व्हाट सॉरी, व्हाट सॉरी? उनके माता पिता ने बोला कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है कोरोना वायरस की, चलते हमारे दो बच्चे हुए। अरे यार, क्यों इतना ढिंडोरा पीट रहा? इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है लूसी, वहां पर बहुत सारे शेर रहते हैं, मगर उस शेर के झुंड में से एक शेर सिटी में आ चुका था और वो बहुत तबाही मचा रहा था, और वो शेर विशाल कायक भी था। तो पुलिस ने ये ठान लिया कि अभी उस शेर को तो पकड़ना ही पकड़ना है। पकड़ो सारे को। तो सारे पुलिस वालों एकजुट हो गए, हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर सब कुछ लगाया, सारा इंतजाम हो चुका था और फाइनली वो शेर पकड़ा जा चुका था। जब उस शेर को उस पुलिस वाले ने दूर से देखा तो वो एक गार्डन में बैठा हुआ था, बहुत ही शांत तरीके से बैठा हुआ था। पुलिस वाले चकरा गए, भाई शेर इतने शांत कैसे है, कैसे? कान खोल के मेरी बात सुनो। तो उन्होंने सारे लोगों को फोन कर दिया, हेलीकॉप्टर को फोन कर दिया, फोर्स को फोन कर दिया, आर्मी को फोन कर दिया, भाई शेर मिल चुका, आज सारे आ जाओ, आज तो पकड़ना ही पकड़ना है। जब वो शेर के पास गए, धीरे धीरे उसके पास गए, तो भाई वो तो एक मूर्ति थी। मुझे मारो, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 20 साल पुरानी मूर्ति, भाई क्या है ये 20 साल पुरानी मूर्ति? को एक हेलीकॉप्टर, एक आर्मी फोर्स, एक पुलिस वाला, मतलब 5-6 पुलिस वाले साथ मिलकर पकड़े थे। ये देख लो आप उसका फोटो। और भाई लॉकडाउन के चलते यार सारी दुकान सब बंद है यार, हमें बिस्कुट लेना है तो कहाँ जाए, चॉकलेट लेनी है तो कहाँ जाए, भाई कहाँ भी नहीं जा सकते, पानी पूरी भी नहीं खा सकते यार, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं, मैं चलता हूँ यार। चल बैठ अंदर। हाँ जी, चल भाई चल। तो ऐसे एक लॉकडाउन के दिन में एक बंदे को सूझा कि मुझे यार पान मसाला खाना है, तो उसने एक दुकानदार को फोन किया। हाँ बोल भाई, बोल, क्या चाहिए क्या? जो कि प्राइवेट दुकान थी, उसकी खुद की दुकान थी, उसने यार क्या किया कि उस बंदे से कहा मैं 5,000 रुपया लूंगा, 5,000 रुपया एक पैकेट पान मसाले का। तो वो बंदा बोलने लगा, भाई 5,000 क्यों ले रहे हो, 50-60 में तो मिलता है। तो उसने बोला, भाई लॉकडाउन में दुकान खोलनी बंद है, मना है, सरकार मुझे डंडे मारेंगे, पुलिस मेरी मारेगी। तो उस बंदे ने कहा, ठीक है 5,000 रुपये देता हूँ, मगर तुम कैसे पहुंचाओगे मेरे घर पे, कैसे? तो उस बंदे ने बोल दिया, भाई ड्रोन के साथ पहुंचा दूंगा आपके घर पर, आपका घर का नाम बता दो, पता बता दो। उसने बता दिया, भाई गुजरात मोरबी जहां पर मेरा घर है, ये रहा मेरा एड्रेस, पहुंचा देना। तो भाई अगले दिन उसी समय, जिस समय उसने बोला था उसी समय उसके घर के ऊपर ड्रोन आ चुका था, मोरबी जो कि गुजरात में एक जगह है, और उस ड्रोन को देखते सारे लोग अपने फोन से वीडियो उतारने लगे, देख बेटा ड्रोन आ गया, ड्रोन। तो उस ड्रोन का वीडियो उतर चुका था एंड टिकटॉक पर डाल गए, मतलब सारे लोग टिकटॉक पर डाल दिया था, वो वीडियो हो गया था वायरल। देखो आप उस वीडियो को, न्यूज वाले क्या कह रहे हैं। Two people have been detained there after a video of delivering paan masala, and that is as weird as it can get. Actually, it's bizarre. Delivering paan masala via drones went viral in Morbi, in Gujarat, and these are the visuals. Can you believe it? Drones are being used to. दोस्तों इसी के चलते यार न्यूज़ वालों ने उस ड्रोन का मालिक का पता पूछ लिया, उसका पता ढूंढ लिया, उसके घर में जाकर घुस के मारे। ओ शाम के बच्चे, अबे कहाँ छुपा है तू? सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, कहाँ छुपा तू? अबे सब तोड़, ये शाम का चाचा है ना, और बात सुन। अरे भाई लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद है, तू भाई ड्रोन से व्यापार कर रहा है, मतलब ड्रोन से, चल चल जेल में, मैं तुम्हें ड्रोन से खाना खिलाऊंगा, चल।
चल चल। भाई जो अभी मैं बात बोलने वाला हूं ना, वो ध्यान से सुनना, दोनों कान 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 खोल के सुनना। भाइयों, कान खोल के मेरी बात सुनो। भाई ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार है, ठीक है। उस परिवार में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक बच्ची है, 14 साल की बच्ची। तो वो लोग पिछले 5 सालों से सोच रहे कि हम ऑस्ट्रेलिया से रशिया जाए, रशिया में जाकर उनके मामा के साथ मिले, बातचीत करे। तो उनकी बेटी ने बोला, मम्मी टिकट निकाल लो ना। तो मम्मी ने निकाल दिया टिकट, मगर टिकट मिला नहीं। तो टिकट कब मिला पता, कोरोना वायरस के लॉकडाउन पे उनको मिला टिकट। इसका कहने का मतलब है कि हमने भी पैसे लेने हैं लॉकडाउन में, मतलब अभी नहीं मिला, पहले ही मिल चुका था, मगर अभी तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा वर्ल्ड। तो भाई कहाँ जाएंगे, फ्लाइट तो बंद हो चुकी है। मगर भाई वो माता पिता इतने होशियार थे कि अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उनके घर को फ्लाइट में बदल दिया। उनके घर में जितने भी सोफा सेट थे उसको सीट बना दी, जितने भी खाना खाने के थे वो खाना के टेबल पर रख दिया, सोफा के पीछे टीवी रख दी, और फ्लाइट में जैसे एक बाथरूम होता है ना कैबिन, उसी तरह एक बाथरूम। और वो लोग चेकिंग किए, अटेंडेंस दिया फ्लाइट का, मतलब ये सारे उनके पड़ोसियों को बुलाकर एक मतलब एक शो ही कर दिया, शो फ्लाइट में जा रहे। और वो ट्रैवल था 15 घंटे का भाई, 15 घंटे तक वो ऐसे ही बैठे रहे। अरे भाई 15 घंटे हो गए, पहुंच गए भाई रशिया हम, आजा आजा आजा। भाई क्या आप कभी मीटिंग में नंगे होकर गए हो? मुझे लगता है तो पक्का नहीं गए होंगे, अगर आप इंसान हो तो नहीं गए होंगे, पक्का नहीं जाओगे आप, पक्का मुझे पता। तो भाई लोग ब्राजील का एक जज था, एक जज साहब था, जो बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो उसी को ऑर्डर निकल गया। क्या हुआ आपको पता है कि एक लॉकडाउन में जज का फैसला सुनाना था, तो उसने कहा भाई सारे आ जाओ जूम एप्लीकेशन पे, जो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में हम बात करेंगे। जब सुबह सारे लोगों ने कॉन्फ्रेंस में उस जज को बुलाया ना, तो वो जज पूरा नंगा था, उठा और फोन आया, फोन को काट दिया और साइड में रख दिया। मगर उसको पता नहीं कि भाई तूने फोन काटा नहीं, तूने फोन अटेंड कर लिया, और वो पूरा का पूरा नंगा दिखा उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। आप ही देख लो वीडियो को। भाई मतलब कैसे, मतलब कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है भाई, फिर भी वो उसने शर्ट पहनकर जज का फैसला सुनाया। दोस्तों आप व्हाट्सएप में कितनी बार दिल लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मम्मा को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी दोस्तों को भेजते रहते, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में अगर दिल बनाया जाए तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों यही कांड हुआ था परसों, जब एक फ्लाइट आ रही थी चाइना से। क्यों आ रही थी? कोरोना वायरस की दवाई लेकर, ट्रीटमेंट की दवाई लेकर आ रही थी आइसलैंड। जब जो वो पायलट चला रहा था ना, उसका मतलब इतना खिसक गया मन, क्या बात करते हैं यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा कि भाई इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सारे दुखी हैं, क्यों ना हमें सारे लोगों को खुश कर दो। तो भाई साहब ने दिमाग दौड़ाया और ऊपर ही आसमान में उसने यार एक दिल कोर दिया। उस दिल कोरने में उस फ्लाइट का 9 मिनट लेट हो चुका था, वो फ्लाइट 9 मिनट लेट हो चुकी थी। और जब वो फ्लाइट अपने एयरपोर्ट पे आई, लैंड की, तब उस फ्लाइट का जज इस्तीफा लेटर लेकर ऐसे खड़ा था, भाई आ जा ले पकड़, अब निकल निकल, 9 मिनट लेट हो चुका है, निकल अभी। तो भाई क्या हो रहा है भाई, हम अगर प्यार बांटना चाहते तो भी यार लोग ऐसे आकर चिल्ला रहे, तो हम क्या करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब ठोक दो और उस घंटे को दबा दो, ताकि यार सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने चाहिए ना, वरना यार मजा तोते तोते नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू भाई बहन, शुक्रिया। मत मेरी तूने मारी मारी। जब से मैंने देखा तुझे, दिल कर दिल दे दे तुझे।
अखियां तेरी सखियां।